हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 06 स्टडी पॉइंट। सो इससे पहले मैंने आपको कैलेंडर वाली जो सीरीज़ पूरी पढ़ाई है उसमें मैंने आपको सभी तरीके के सारे डाउट्स जो ट्रिक्स हैं वो सभी आपको बता दिए हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे। सो कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे मैंने, अब आगे के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द, ये क्या हो रहा है, फोकस नहीं हो रहा, वेट अ सेकेंड। Which of the following cannot be the last day of any century? ठीक है, तो ऑप्शन में मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी। इनमें से कौन सा दिन सेंचुरी का लास्ट दिन नहीं हो सकता? मंडे नहीं हो सकता, वेडनेसडे नहीं हो सकता है, फ्राइडे नहीं हो सकता है, सैटरडे नहीं हो सकता, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। पहले 100 सेंचुरी में 5 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। तो जो पहली सेंचुरी थी उसका जो फर्स्ट सेंचुरी का लास्ट डे था वो फ्राइडे था। सेकंड जब 200 सेंचुरी आई थी तो 200 सेंचुरी में कितने एक्स्ट्रा डे थे? 3। तो 3 मतलब वेडनेसडे। 300 सेंचुरी में जो फर्स्ट एक्स्ट्रा डे थे वो थे 1। 1 मत का मतलब मंडे। और जो 400 सेंचुरी में एक्स्ट्रा डे कितने थे? 0। और 0 का मतलब संडे। ये मैं आपको, ये 5, 3, 1, इसका मतलब संडे, मंडे एक सा कैसे है वो मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, और अभी मैं लास्ट में भी दिखा दूंगा ये, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? मंडे है, मंडे है, वेडनेसडे है, वेडनेसडे भी है, फ्राइडे है, फ्राइडे भी है, सैटरडे नहीं है। सो इसका आंसर होगा सैटरडे। सैटरडे कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डे ऑन 24th October 1945, ठीक है। तो सेंचुरी, सबसे पहले सेंचुरी लेंगे, कौन सी सेंचुरी? 1900 सेंचुरी। 1900 में क्या लेंगे? 1600 प्लस 300। 1600 में कितने एक्स्ट्रा डेज हुए? 1600 लीप ईयर हुए, 4 बार लीप ईयर हो गए, लीप सेंचुरी हो गई आपकी, तो उसमें आपके हो गए 0, ठीक है। बाकी 300 में, 300 में कितने एक्स्ट्रा डे हुए? 300 में एक्स्ट्रा डे हुए आपके 1, ठीक है। लीप ईयर इन 44 ईयर्स, यहाँ पे कितनी ईयर्स हैं? 45। तो आपको मैंने पहले भी बता समझा चुका हूँ, जो जब पढ़ाया था तो उसमें जो 45 ईयर्स हैं, 40 जो करंट ईयर है वो नहीं लेना, जो उसके पहले के ईयर हैं वो सारे ईयर्स लेने हैं। तो उसमें अब आप हमको चेक करने लीप ईयर्स कितने हैं, उसमें लीप ईयर्स हैं 11। लीप ईयर में एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं? 2। तो 11 × 2 = 22 एक्स्ट्रा डेज हुए। 21 का 3 वीक्स बन गए और 1 एक्स्ट्रा डे 1 बचा। तो जनरल ईयर चेक करने हैं, जनरल ईयर 33 ईयर्स हैं, 33। और जनरल ईयर में एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं? 1 होता है। तो 33 × 1, ठीक है। एक्स्ट्रा डेज में कितने बचे? 5, 28 डेज का, 4 वीक्स हो गए और 5 आपके रिमेनिंग डे बचे। अब फिर चेक करते हैं डेट, कौन सी डेट का निकालना है? 24। तो 21 तक 3 वीक्स हो गए, एक्स्ट्रा डे कितने बचे आपके? 3 बचे। मंथ कोड, मंथ कोड क्या है हमारा? अक्टूबर। अक्टूबर के लिए हमारा मंथ कोड क्या होता है? 0। मंथ कोड भी मैंने इससे आपको पहले बताया था। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इससे पहले की जो सारी सीरीज़ है कैलेंडर की वो सारी आपको देखनी होगी, ठीक है, सभी लेक्चर्स की, तभी आपको ये प्रॉपरली समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो आप बेसिक से लेके अभी जितनी भी आप वीडियोस है सब इसको सीरियल वाइज देखिए, और आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी चैप्टर है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये मत सब समझिएगा कि आपको नहीं आ रहा है, अगर आप शुरू से देखेंगे तो बहुत ईजीली आ जाएगा। 4 या 5 मिनट की सारी वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो मंथ कोड क्या अक्टूबर के लिए? 0 0। इन सबको ऐड करेंगे आपका टोटल आता है 10, ठीक है। 10 का भी क्या होता है? 10 में से 7 डेज का एक वीक बन जाता है। टोटल एक्स्ट्रा डे कितने हमारे? 10। 10 में से 7 का एक वीक बन गया, तो आपके एक्स्ट्रा डे कितने, रिमेनिंग एक्स्ट्रा डे कितने बचे आपके? 3 रिमेनिंग एक्स्ट्रा डेज, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आता है 3, 0 में, यहाँ पे 0 का मतलब संडे होता है, 0 में 3 ऐड करेंगे, 1, 2, 3, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? 24 अक्टूबर 1945 को आपका क्या था? वेडनेसडे। सो इट वॉज वेडनेसडे, ठीक है। सो इट वॉज वेडनेसडे ऑन 24 अक्टूबर 1945। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मैं आपको दिखा दूंगा कि किस नंबर का मतलब कौन सा डे होता है, तो वो ये रहा, ये रहा। अगर आपका वन हो, वन एक्स्ट्रा डे में वन आएगा तो आपका मंडे होगा, 2 आएगा तो ट्यूसडे होगा, 3 आएगा तो वेडनेसडे होगा, 4 आएगा तो थर्सडे होगा, 5 आएगा तो फ्राइडे, 6 आएगा सैटरडे, 0 आएगा तो संडे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस, अब बात करेंगे अगली वीडियो में।
वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कोई डाउट है अगर और या फिर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू गाइस।